एक आदमी के झूठा होने के लिए, एक आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि सुनी हुई बात को आगे नकल कर दे। हाँ सुनो, अजीब किस्सा है कि आदमी सुनी हुई बात पर कदम उठा लेता है और सुनी हुई बात पर फैसला कर लेता है मोमिन के बारे में। बल्कि फरमाया है कुरान में, इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबयनु, कि अगर तुम्हारे पास कोई मुनाफिक खबर लेकर आए, और ये जाहिर बात है, ये बात याद रखना हमेशा कि मोमिन के बारे में, मोमिन के बारे में उसके किसी गुनाह की खबर मुनाफिक ही लाएगा, मोमिन मोमिन का ऐब नहीं खोलेगा। ये बात बहुत जरूरी बात है, मोमिन के बारे में गलत खबर मोमिन मोमिन कभी नहीं लाएगा। सुनो गौर से बात, कि मोमिन के बारे में गलत खबर जो लाएगा, चाहे वो सच बोल रहा हो, मोमिन की गलती की खबर मोमिन नहीं करेगा, मोमिन की गलती की खबर मुनाफिक करेगा। क्योंकि मोमिन ने खुद आकर कहा आपसे, माइज बिन मालिक असलमी ने खुद कहा, माइज बिन मालिक असलमी ने खुद कहा, जनी तो या रसूलल्लाह, मैंने जिना कर लिया, आपने रुख फेर लिया, फिर कहा मैंने जिना किया है, फिर आपने रुख फेर लिया, फिर इधर से आकर कहा मैंने जिना कर लिया, आपने इधर मुंह कर लिया, इधर से आकर कहा मैंने जिना किया है, आपने इधर मुंह कर लिया। इसी तरह चला जाइए, मोमिन का जिना साबित ना हो। जी हाँ, यहां तो न करके भी साबित कर देंगे, और वहां वो खुद इकरार कर रहे पांच मरतबा, हर मरतबा आपने एराज कर लिया। एक साहबी ने आके अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मैंने जिना कर लिया है। फरमाया कि नहीं, तुमने जिना नहीं किया, तुमने हाथ लगाया होगा लड़की को हाथ पे, और लड़की को इशारा किया होगा आंख से, तुमसे जिना समझ रहे होंगे, जाओ तुमने जिना नहीं किया। जी हाँ, क्या जानो जिना किया, जाओ। तो ये देखो जरूरी बात है, ये खूब खबरें चलती है, तो मोबाइलों पर है, जो तुम्हारे दिल में शैतान डाले उसे मोबाइल में डाल दो और चला दो। ये शैतान दिल में डालेगा, और जो उनके दिल में आएगी वो ये लिखेंगे, लिख के कहेंगे ये मैसेज कर दो। जी हाँ, सही हदीस में आपको बता रहा, सही हदीस में है कि तुम्हारे दरमियान एक आदमी आकर कहता है फलाने ऐसा ऐसा किया है, और तुम वो खबर जाकर लोगों को बता देते हो, लोग पूछते बात किसने कही, तुम कहते हो कि एक आदमी है, मैं उसको शक्ल से जानता हूं, नाम से नहीं जानता, पर नजर आकर तो पहचान लूंगा, नाम से नहीं जानता, उसने ये बात कही है। हदीस में आता है कि वो शैतान ही था जो बुजुर्ग की शक्ल में तुम्हें बात बता गया है किसी के बारे में। हदीस सराहा देसी तरह, मैं आपको हदीस बता रहा हूं, अभी तो नहीं कह रहा, सही रिवायत है कि हाँ शैतान था ये, जो बुजुर्ग की शक्ल में आकर एक बात बता गया है, तुम लोग उस बात को आपस में एक दूसरे को सुना रहे हो, और जब पूछे किसने कही, कहती मैं उसके नाम से नहीं जानता, शक्ल से जानता हूं, फलाने ये बात कही। सराहत है कि शैतान है, तुम्हारे दरमियान एक बात छोड़ गया है, अब तुम आपस में उस बात को एक दूसरे को सुनाओगे। इसलिए फरमाया अगर तुम्हारे पास कोई मुनाफिक खबर लेकर आए तो तहकीक कर लेना, तहकीक कर लेना, ऐसा ना हो कि तुम किसी मुसलमान के बारे में कोई कदम उठा लो